हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शोम क्लासेस। अब अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो हाउ यू वुड कनेक्ट थ्री रजिस्टर्स। आपको जो है वो तीन रजिस्टर्स को आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ईच ऑफ रजिस्टेंस 6 ओम, जो हमारे को बोल रखा है कि भाई तीन रजिस्टेंसेज हैं और उनके रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 6 ओम। सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज ए रजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। आपको जो है वो इस तरीके से इन थ्री जो रजिस्टर्स हैं इनको कनेक्ट करना है कि इक्वलेंट जो रजिस्टेंस हो उनका, वो पहली कंडीशन के अंदर तो 9 ओम होना चाहिए और दूसरी कंडीशन के अंदर 4 ओम होना चाहिए। कहने का मतलब इसके अंदर जो है वो टू पार्ट्स हैं। आपको क्या क्या गिवन है, गिवन ये है कि आपको जो है वो थ्री रजिस्टर्स दे रखा है। थ्री रजिस्टर्स दे रखा है आपको और इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6 ओम। अब ये जो थ्री रजिस्टर्स हैं उनको आप किस किस तरीके से जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं ताकि इनका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस हो, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस हो पहली कंडीशन के अंदर तो होना चाहिए कितना, 9 ओम, और दूसरी कंडीशन के अंदर होना चाहिए कितना, 4 ओम। तो इसके टू पार्ट्स हैं। एक के अंदर तो आपको 9 ओम करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और एक के अंदर आपको क्या करना है, 4 ओम करना है। तो कहने का मतलब आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाकर और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 9 ओम और 4 ओम करना है। अब देखो सीरीज के अंदर क्या होता है, इस तरीके से जो है वो सीरीज के अंदर रजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं। जैसे यहां पर आर, तीनों का जो है हमने मान रखा है, क्यों आर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमारे को जो है वो 6 ओम दे रखा है तीनों रजिस्टर्स का। कहने का मतलब इक्वल है सबका। तो अगर इस तरीके से सीरीज के अंदर कनेक्ट होंगे तो टोटल जो रजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3R, ठीक है। और अगर पैरल के अंदर हो, पैरल के अंदर कैसे सर, इस तरीके से अगर पैरल के अंदर कनेक्ट होते हैं तो जैसे मान लो आर आर आर, तो इनका जो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस होता है वो अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो R बाई 3 होगा। जितने रजिस्टर्स होते हैं उसको जो है वो एक रजिस्टेंस की वैल्यू से आप डिवाइड कर दो तो उसका इक्विवेलेंट रजिस्टेंस आ जाएगा। अब सर ये कैसे आया, देखो इसका फॉर्मूला होता है 1/R = 1/ ये R इक्विवेलेंट है, ठीक है, 1/R + 1/R + 1/R, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये आर हो गया और ऊपर जो है जब एलसीएम लिया तो 1+1+1 हो गया यानी कि 3 हो गया। ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। अब आर इक्विवेलेंट इसका मतलब अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूंगा तो इसको भी मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा, आर बाई 3 जो है मेरे पास आ गया। वही मैंने यहाँ पे चीज़ लिखी है कि भाई जो एक रजिस्टर्स की जो वैल्यू है, रजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितने रजिस्टर्स जो है वो पैरल के अंदर कनेक्ट है उससे डिवाइड कर दो तो जो क्या आ जाएगा, उसका पैरल के अंदर उनका इक्विवेलेंट रजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये करूं कि मेरे पास 6 ओम के जो रजिस्टर दे रखे हैं उनको अगर मैं तीनों को जो है वो सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दूं इस तरीके से तो क्या होगा, 666, तो टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 18 ओम आ जाएगा। तो ये तो मेरा काम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इतना तो मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को 9 ओम चाहिए और 4 ओम चाहिए। फिर मैं क्या करता हूं, इन तीनों को क्या करता हूं इस तरीके से पैरल के अंदर कनेक्ट कर लेता हूं। पैरल के अंदर मैंने अभी आपको बताया था R बाई 3, 3 रजिस्टर्स हैं तो कितना हो गया, R बाई 3। एक का कितना है सर, 6 है और 3 है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना हुआ, 2 ओम। इससे मेरा काम आधा बन सकता है। कैसे, यहां पे अगर 2 ओम आ गया, यहां पर अगर 2 ओम आ गया तो अगर मैं इसी तरीके से एक और सीरीज बना लूं इस तरीके से, ये एक देखो ये 1 ये 2 और ये 3, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 ओम आएगा, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं इसी तरीके से एक सीरीज और कनेक्ट कर दूं, इसका ये कैसे हो गए, ये पैरेलल के अंदर है तो इनका कितना हो जाएगा, 2 ओम। लेकिन ये और ये यानी कि इनका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट ये किसके अंदर हो गए, ये सीरीज के अंदर हो गए,
तो इसका मतलब ये कैसे एक्ट करेंगे, ये 2 ओम और ये 2 ओम। तो इसका अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। इसका मतलब मेरा एक पार्ट तो सोल्व हो गया, जो मेरे को 9 ओम और 4 ओम चाहिए था। तो अगर 4 ओम कैसे आएगा कि तीनों जो रजिस्टर्स हैं उनको पैरेलल के अंदर कनेक्ट करूंगा, फिर तीन और रजिस्टर्स लेके उनको पैरेलल के अंदर कनेक्ट करूंगा, और इन दोनों को जो मैं क्या करूंगा, सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दूंगा। तो मेरा इक्विवेलेंट रजिस्टेंस कितना आएगा, 4 ओम आ जाएगा। ठीक है सर, 4 ओम तो आ गया, 9 ओम कैसे आएगा? देखो, अगर दो रजिस्टर्स हैं इस तरीके से कनेक्ट हैं, ये 6 ओम ये 6 ओम, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6/2, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 3 ओम इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर मैं इसके सीरीज के अंदर एक रजिस्टर को कनेक्ट कर दूं तो इसका इक्विवेलेंट, इसका रजिस्टर कितना है, 6 ओम। तो ये इसका इक्विवेलेंट यानी कि 3 ओम, और फिर ये सीरीज के अंदर, इस तरीके से कहने का मतलब ये रजिस्टर ये रजिस्टर, ये तो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस आया, कितना है मेरे पास, 3 ओम, और ये मेरे पास कितना है, 6 ओम। तो ये सीरीज के अंदर है इसलिए 6+3=9 ओम। मेरे पास सेकंड पार्ट भी आ गया, 9 ओम कैसे आएगा, दो रजिस्टर्स को मैं क्या करूंगा, पैरेलल के अंदर कनेक्ट करूंगा, और उसके सीरीज के अंदर एक रजिस्टर को कनेक्ट करूंगा। तो अगर मैं फाइनल बोलूं कि मैं 9 ओम अगर मेरे को लेके आना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 रजिस्टर्स को इस तरीके से कनेक्ट करूंगा, ये किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर, और एक रजिस्टर को क्या करूंगा, सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दूंगा। तो यहां पे 6, 6 और 6, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 ओम, और इसका कितना हो जाएगा, ये तो 6 का 6 रहेगा। अब ये दोनों के दोनों किसके अंदर है, सीरीज के अंदर है, इसलिए दोनों के दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, और मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 ओम जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये तो पार्ट एक हो गया। अब सेकंड पार्ट अगर मैं करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, 3 रेजिस्टेंस जो है मेरे पास इस तरीके से, उनको जो है वो पैरेलल के अंदर कनेक्ट करूंगा, इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6/3, ये कितना हो गया, 2। अब 3 रजिस्टर्स और लेके और उनको भी मैं क्या कर दूंगा, सीरीज के अंदर पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दूंगा, ये भी 6, 6, 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6/3 यानी कि 2 ओम। तो इसका मतलब हो गया कि इस तरीके से दो जो है मेरे पास रजिस्टर्स हो गए, 2 ओम और 2 ओम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसका और इसका, तो इसका इक्विवेलेंट 2, इसका 2, और टोटल अगर मैं इसके अंदर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 ओम। तो एक का तो मेरे को जो है वो सर्किट डायग्राम इस तरीके से बनाना है, एक का सर्किट डायग्राम इस तरीके से बनाना है। तो इस वाली कंडीशन के अंदर तो मेरा आ जाएगा कितना, 9 ओम। इस वाली कंडीशन के अंदर मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 ओम। और यही मेरे को क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है कि देखो 9 ओम आना चाहिए और 4 ओम आना चाहिए। तो 9 ओम कैसे आएगा, मैं दो को तो क्या करूंगा, इस तरीके से कनेक्ट करूंगा, किसके अंदर, पैरेलल के अंदर, फिर ए को करूंगा किसके अंदर, इसके सीरीज के अंदर, तो इसका तो कितना आ जाएगा, 3, और इसका कितना आ जाएगा, 6, ये टोटल कितना हो जाएगा, 9। और दूसरी वाली कंडीशन, 4 अगर मेरे को लेके आना तो मैं क्या करूंगा, तीनों को इस तरीके से पैरेलल के अंदर करूंगा, फिर वापस से इस पैरेलल के अंदर तीन को करूंगा, इसका इक्विवेलेंट कितना आया, 2, इसका कितना आया, 2, दोनों को ऐड कर दूंगा, कितना आया, 4। तो इससे 4 आ जाएगा, इससे 9 आ जाएगा। अब आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन कैसे करना है वो देखो। इन ऑर्डर टू पहला पोर्शन सॉल्व करें, अपने जो 9 ओम वाला है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लेके आएंगे वो देखो। इन ऑर्डर टू गेट ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम फ्रॉम 3 रजिस्टर्स ऑफ 6 ओम ईच, वी कनेक्ट 2 6 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल। हम 2 जो रजिस्टर्स हैं उनको तो क्या करेंगे, पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर देंगे। एंड देन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द 3rd 6 ओम रजिस्टर। और जो थर्ड वाला हमारे पास रजिस्टर है 6 ओम का, उसको मैं इसके सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दूंगा। तो देखो यहां पे ये दो रजिस्टर्स को मैंने क्या किया, पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दिया, और इसके सीरीज के अंदर मैंने तीसरे वाला जो हमारे पास रजिस्टर है उसको कनेक्ट कर दिया। अगर ये वाला सिंबल आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस तरीके से जो नॉर्मल हम बनाते हैं वो भी बना सकते हैं,
इस तरीके से करके, इस तरीके से 6 ohm 6 ohm 6 ohm, इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया 3, इसका इक्विवेलेंट 6, टोटल कितना हो गया 9। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा 1/3 यानी कि 3 ohm, और मेरे पास जो ये वाला रजिस्टर है इसको मैंने किसमें कनेक्ट कर रखा है, सीरीज के अंदर, तो ये डायरेक्टली उसके ऐड हो जाएगा और कितना आ जाएगा मेरे पास 9 ohm आ जाएगा। ये तो पोर्शन वन हो गया। सेकंड पोर्शन को मैं क्या करूंगा, इन ऑर्डर टू गेट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm फ्रॉम 3 resistors of 6 ohm ईच, वी कनेक्ट ऑल द 3 6 ohm रजिस्टर्स इन पैरल। मैं क्या करूंगा, तीनों के तीनों जो रजिस्टर्स हैं उनको पैरल के अंदर कनेक्ट कर दूंगा, एंड देन कनेक्ट टू सच पैरल कॉम्बिनेशन इन सीरीज, और ऐसा ही कॉम्बिनेशन मैं वापस से एक सीरीज के अंदर इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। कहने का मतलब क्या है, ये देखो, ये पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, मैंने इन तीनों क्या किया है पैरल के अंदर कनेक्ट कर दिया है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 4 ohm, 2 ohm, क्या आएगा 2 ohm, ये आ गया कितना 2 ohm, और इसका कितना आएगा 2 ohm। कैसे आया सर, मैंने आपको बताया था R/3 यानी कितने रजिस्टर्स उसके अंदर कनेक्ट हैं, तो ये 3 है, 1 2 3, तो मैं 3 रख रहा हूं यहां पे, तो यहां पे R की वैल्यू कितनी है 6 और ये 3, तो ये कितना हो गया 2। इसी तरीके से यहां पे 6/3 यानी कि 2। अब ये दोनों जो 2 जो आया है हमारे पास और ये वाला 2 आया है, ये एक दूसरे के किस में है सीरीज के अंदर, ये तीनों तो किस में है पैरल के अंदर, ये तीनों भी एक दूसरे के किस में है पैरल के अंदर, लेकिन ये और ये जब इक्विवेलेंट निकल के आएगा, ये दोनों किसके अंदर कनेक्ट है सीरीज के अंदर कनेक्ट है, तो डायरेक्टली मैं इस 2 ओम को और 2 ओम को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। यहां पे देखो 1/R, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और इसको इन्वर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ओम जो है मेरे पास, एक जो मेरे पास यहां पे क्वांट, ये जो मैं लेके रखा हूं यहां पे पैरेलल के अंदर एक यूनिट, इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, और इसी तरीके से इसका कितना हो जाएगा 2 ओम। ये दोनों अब किसके अंदर है सीरीज के अंदर, तो दोनों को ऐड कर दूंगा 2 + 2 = 4 ohm। इस तरीके से आप जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा इस वाले पोर्शन का कोई दूसरा कॉम्बिनेशन मिलता है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, मोस्ट वेलकम है, मैं वो वाला भी तरीका आपको जो है वो बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन दोबारा से समझ लीजिए, 6 ओम के 3 रजिस्टर्स हैं, इनको आप किस तरीके से कॉम्बिनेशन करके और आपस के अंदर कनेक्ट करेंगे कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक कंडीशन के अंदर तो 9 ओम हो जाए, 9 ओम, और सेकंड वाली कंडीशन के अंदर 4 ओम हो जाए। तो अगर आपको 9 ओम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 रजिस्टर्स को पहले पैरेलल के अंदर कनेक्ट करो और इसके सीरीज के अंदर एक रजिस्टर को कनेक्ट करो, तो इस वाले कॉम्बिनेशन से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये 6, तो ये हो जाएगा 9। अगर आपको 4 ओम रजिस्टर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों रजिस्टर्स को पहले तो पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दो और वैसे ही 3 रजिस्टर्स और लेके और उनको पैरेलल के अंदर कनेक्ट करके और इन दोनों को आपस के अंदर सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दो, तो इस वाला जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 2 और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 2। अब ये दोनों आपस के अंदर किसके अंदर हैं सीरीज के अंदर, तो ये 2 + 2 हो जाएगा कितना 4, ये 2 और ये 2। अब ये दोनों के दोनों किसके अंदर हैं सीरीज के अंदर, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे 4 ओम जो है मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस वाले सर्किट का आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8696608541, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो आपके सब्जेक्ट के या फिर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इस वाले नंबर पे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।